This call is now being recorded. आइए, समय हो चुका है हम सब मिलकर के परमेश्वर के कुछ गुणगान करते हैं। जो वैदिक मंत्र प्रसिद्ध मंत्र है उनमें से एक मंत्र लेते हैं, ये न द्यौ रुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, इस मंत्र का पाठ करते हैं। ओम ये न रुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन सुप्रीतम येन नागः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः अस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उस अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक ऋषिगण वंद्य परम पिता को नमन करते हुए आप सभी लोगों को वेद संस्थान की ओर से मैं नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। परमेश्वर की असीम अनुकंपा रही है हम सब लोगों पर, जिसके कारण से बड़े दिन से हम इस तरह सारस्वत सत्र में भाग ले पा रहे हैं। तो आज एक रोचक विषय भी है और संस्थान के अपने ही सदस्य जो डॉक्टर प्रवेश सक्सेना मैडम जी हैं, वो आज व्याख्यात्री के रूप में उपस्थित हैं। मैडम जी का बहुत बड़ा योगदान संस्थान के लिए है। प्रतिदिन ऐसी व्यवस्थाएं बनी है कि 4-5 बार हम लोग आपस में क्या कार्य करना है, कैसी गतिविधियां चलानी है और कहां पे कार्य रुका हुआ है चर्चा करते हैं। मैडम जी हमारे वेद सविता की प्रमुख संपादन कर्त्री हैं और वेद सविता के साथ साथ जो शोध कार्य होते हैं संस्थान में, यजुर्वेद के कुछ अध्याय शोध कार्य के लिए प्रस्तावित हैं, वो उस पर भी काम करती हैं। एक कवयित्री भी हैं और समाज में एज ए प्रोफेसर रिटायर्ड हैं। इनके बहुत से सामाजिक कार्य इनके साथ लगे रहते हैं। फिर भी उन्होंने रोचक प्रसंग लिया है, एक बार चर्चा हुई थी ये वर्ण वैषम्य के बारे में, मैडम जी ने कहा यही विषय मेरे लिए रखा जाए। तो आज है कि जो जाति का निर्णय हम करते हैं, जाति से अभिप्राय, जो वर्ण व्यवस्था की हम चर्चा करते हैं, उस वर्ण व्यवस्था के पीछे जन्म कारण नहीं है, उस वर्ण व्यवस्था के पीछे उस व्यक्ति के गुण और कर्म ही कारण है। तो इस तरह कुछ वैदिक परिप्रेक्ष्य में मैडम जी का व्याख्यान प्रस्तुत होगा और उससे हमें बड़ा लाभ होगा कि आज जो जाति के नाम पे ST SC OBC विभाजन हुआ है उससे हमें बड़ी हानि है और वैदिक परंपरा से हम दूर होते जा रहे हैं। तो इस तरह मैं समझता हूँ एक रोचक और सर्वजन ग्राह्य व्याख्यान है। तो मैं मैडम जी से पुनः निवेदन करता हूँ, मैडम जी आप अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें और आप अनुभव से निपुण हैं, इस पे भी आपके कई लेख हैं, तो मुझे भली भांति आप बढ़िया व्याख्यान प्रस्तुत कर पाएंगे विश्वास है। तो मैडम जी आप व्याख्यान प्रारंभ करें, ये निवेदन है प्रवेश सक्सेना मैडम जी। धन्यवाद दासी। आज सब लोग जो भी बैठे हैं सबको मेरा प्रणाम। और आज जो मैंने विषय लिया है केवल एक मंत्र पर हम फोकस करेंगे। और सोचिए कि मैं इस मंत्र का को प्रस्तुत करूं या इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करें। आप सब लोगों से सोचिए, कल्पना करने के लिए कह रही हूं, यदि कोई आपके सामने 1000 टांगों वाला, 1000 आंखों वाला कोई व्यक्ति अगर आ जाए तो आप सबको कैसा लगेगा? स्वाभाविक है कि हम उससे भयभीत हो जाएंगे। अगर थोड़ी सी भी एबनॉर्मेलिटी हमें किसी व्यक्ति में दिखती है, दिव्यांग लोगों को देखते हैं तो हमें उतना अच्छा नहीं लगता। तो सहस्र शीर्षा पुरुष और सहस्राक्ष और सहस्र पाप कोई व्यक्ति आ जाए
या जैसे जो लोग देवी को मानते हैं, अगर वो देवी सचमुच में शेर पर सवार होकर आ जाए तो शायद हम डर जाएं। ये प्रस्तुति प्रारंभ करने से पहले कहने का भाव मेरा ये है कि हमें कविता को, काव्य को समझने की एक प्रेरणा मिलनी चाहिए। काव्य को समझे हम, वेद किस तरह से बात करता है, प्रतीकों में बात करता है, या इस प्रकार से एक तरह से चीजों को की व्याख्या करता है, उन मंत्रों में किस प्रकार से जो है चर्चाएं की गई हैं, इनको अगर हम समझ लेंगे तो हमें कभी भी कोई बाधा नहीं आएगी। अब जहां तक इस सूक्त के जो 12वां मंत्र मैंने दिया, ब्राह्मणों से मुखम आसी बाहु राजन यहाँ कृता गुरु तदस्य यद वैश्या पर भ्याम सूर्यो अजाया। मैंने इस मंत्र पर अपने आप को फोकस रखा है, लेकिन इस मंत्र के माध्यम से हम वर्ण व्यवस्था, वर्ण क्या है, जाति क्या है, और इस मंत्र पर जितने भी भाष्य अंग्रेजी या हिंदी या संस्कृत के मुझे प्राप्त हुए हैं, उन सब पर मैंने मनन किया है और चिंतन किया है। और हम लोगों पर अक्सर वेद पर, खास तौर पर इस मंत्र पर ये आरोप लगाया जाता है कि शूद्रों को जो है पैरों से उत्पन्न क्यों बताया गया, क्यों उन्हें निम्न बताया गया। हम इन सब विषयों पर खुले मन से आज विचार करेंगे, मैं अपने विचार रखूंगी, फिर आप लोगों से हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि वेद में ऐसा कुछ भी नहीं। सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि पुरुष सूक्त में जहाँ श्रेष्ठ शीर्ष पुरुष की बात आई, सहस्रार्थ और सहस्रार्थ पुरुष की बात आई है, वो केवल उपलक्षण मात्र है, वो केवल एक तरह से सम टोटलिटी है, जो पूरी मानवता है, या हम कहें समष्टि पुरुष का यहाँ पर वर्णन है। और उस समष्टि पुरुष में क्या क्या है, इस मंत्र को हम समष्टि पर भी घटा सकते हैं और व्यष्टि पर भी घटा सकते हैं। जैसा कि पिछली बार जब एक चर्चा हो रही थी तो मैंने आपको बताया था कि व्यष्टि पर भी इस मंत्र को हम घटित कर सकते हैं, और जहां तक समष्टि की बात है समष्टि पर भी, जब क्योंकि ये सूक्त ही शुरू हो रहा है सहस्त्र शीर्षा पुरुषा से, तो उसका भाव यही है। और प्रश्न किया गया इससे पूर्व के मंत्र में, यत पुरुषम व्यदधु कथिथा व्यकल्पयन मुखम किमस्य कौ बाहु का उरु पादा उच्चेते। प्रश्न किया गया कि भाई जब पुरुष को उसकी कल्पना की गई, कितनी प्रकार से कल्पना की गई, उसका मुख क्या है, दोनों बाहु कौन है, उसकी जांघें कौन सी हैं और उसके पांव कौन से हैं। जब शुरू किया गया सहस्त्र पुरुष से तो ये स्वाभाविक प्रश्न था, और वेद इसी शैली में बहुत बार मंत्रों में और सूक्तों में हम देखते हैं कि प्रश्न करते हैं और फिर उस प्रश्न का ऋषि उत्तर भी स्वयं देते हैं। तो उत्तर के रूप में उन्होंने कहा, मंत्र को देखें तो बहुत सरल है, ब्राह्मण उसका मुख था, राजन्य क्षत्रिय उसके भुजाएं थी, और जो उरु जंघाएं थी वो वैश्य थे, और पदभ्याम शूद्रो अजायत पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। उत्पन्न हुए भी कहने से कोई ये नहीं हो जाता कि वो वाकई में उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक जो कोई भी चीज पैदा होती है तो उसका एक अलग तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। प्रकृति में पैदा होने का भी ऐसा नहीं है कि पैरों से कोई पैदा हो सकता है, पहली बात तो यही। तो कहने का भाव है कि हमें वेद की शब्दावली, वेद का मुहावरा, इस सब को ध्यान में रखना है। वेद काव्य है, पश्य देवस्य काव्यम, ये काव्य है, और उनको काव्य की तरह हमें उसे समझने की कोशिश करनी है, उसका हमें प्रयास करना है। फिर सबसे बड़ी बात, आगे के मंत्र में वो कहते हैं कि पदभ्याम भूमि, सहस्त्र पुरुष के पैरों से भूमि पैदा हुई, तो क्या भूमि को हम अपवित्र कह देंगे या भूमि को हम नीचा कह देंगे, जिस भूमि को हम धरती माता कहते हैं या माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या कहते हैं, तो हम उसको कैसे कह देंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये केवल प्रतीकात्मक है, एक केवल सिंबॉलिकल है। अब हम इस मंत्र के बहुत सारे भाष्य हैं, और मुझे ये अच्छा लगा देखकर कि चाहे पाश्चात्य विद्वान हो या अपने भारतीय विद्वान हो, सबने इसको सिंबॉलिकल ही लेने की कोशिश की है, इसको मतलब कहीं भी इस तरह से उसको लिटरली नहीं लिया, केवल मात्र शब्द से नहीं उसको ग्रहण किया है। तो ब्रह्म मुनि परिव्राजक ने इस मंत्र की व्याख्या में कहा, उन्होंने संस्कृत और हिंदी दोनों में व्याख्या की है, विशेष रूप से इस 10वें मंडल की, और बहुत से जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि ये सूक्त 10वें मंडल का है, 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। हम इस विवाद में नहीं पड़ेंगे,
क्योंकि वेदज्ञ लोगों के सामने अक्सर ये प्रश्न उठाया जाता है या ये विवाद की स्थिति आ जाती है कि शूद्रों को जो है पैरों से पैदा कहा गया तो इसलिए वो निम्न जाति के हैं या उनके साथ में अन्याय हुआ या उनको उनका अधिकार नहीं मिला। तो हम आज ये सारे जो विवाद हैं इनको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ब्रह्म मुनि परिव्राजक ने कहा, इसकी समष्टि परक व्याख्या करते हुए कहा, समष्टि पुरुष का ब्राह्मण वर्ण मुख है, जैसे उन्हें तपस्वी होना चाहिए, ज्ञानी त्यागी होना चाहिए। फिर क्षत्रियों की बात आती है तो भुजाओं में शोधन, रक्षण, प्राण, ये गुण क्षत्रिय में होने चाहिए। फिर पुरुष की जंघाओं को जब वैश्य कहते हैं तो इसका मतलब कि वो वैश्य धन धान्य पशुओं का संग्रह भी करता है और यथा पात्र विभाजन भी करता है। पैरों के तुल्य शूद्र होता है, अर्थात पैरों के समान श्रम प्रवृत्ति वाला होना चाहिए शूद्र को। और अगर मानव समाज के देह के रूप में भी हम देखें तो भी हमें ये इन चारों चीजों को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जहां तक टीएच ग्रिफिथ का प्रश्न है, अभी हम उसका व्याख्या बाद में करेंगे, तो टीएच ग्रिफिथ का भी हम देख लेते हैं कि उसने इस सूक्त के बारे में क्या कहा। अक्सर हम पाश्चात्य विद्वानों पर ये दोषारोपण करते हैं कि उन्होंने हमारे चीजों को ठीक से नहीं समझा, और बहुत बार ये जो है विवाद हो भी सकता है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी सकती है। लेकिन फिर भी जहां तक इस सूक्त का प्रश्न है, टीएच ग्रिफिथ ने इस सूक्त के इंट्रोडक्शन में कहा, पुरुषा एम्बॉडीड स्पिरिट मैन पर्सोनिफाइड एंड रिगार्डेड एज द सोल एंड ओरिजिनल सोर्स ऑफ द यूनिवर्स। अर्थात इस सूक्त में वर्णित जो पुरुष है वो मनुष्य ही पर्सोनिफाइड है, उसका रूप है, और पूरे विश्व का वो मूल है, उसका सोर्स है, उसकी आत्मा है। द पर्सनल एंड द लाइफ गिविंग प्रिंसिपल इन ऑल एनिमेटेड बींग इज सेड टू हैव ए थाउजेंड थाउजेंड, यहाँ पर उपलक्षण के रूप में ग्रिफिथ ने भी लिया, इन्यूमरेबल हेड बाय हिज फीट एज बीइंग वन विद ऑल क्रिएटेड लाइफ। अर्थात टीएच ग्रिफिथ भी इसी प्रकार से जो सहस्र की संख्या यहाँ पर है प्रारंभिक मंत्र में उसको उपलक्षण लेते हैं और मानते हैं कि वो अनंतता का द्योतक है, और इस प्रकार से जो पूरी समष्टि है उस समष्टि में जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य विशेष रूप से मनुष्यों की बात है, मानवीय समाज की बात है, तो उन सबको उसने ग्रहण किया। और जहां तक है पुरुष रूप को, क्योंकि आगे जाकर हम देखते हैं उसे पशु कैसे बने, क्या क्या चीजें, पृथ्वी कैसे या दिशाएं का निर्माण कैसे हुआ, तो इस रूप के बारे में जो उनका और कथन है वो ये है, द क्रिएशन मिथ ऑफ द वर्डियंट वाइमेर और हाइमेर। हाइमेर एक दैत्य है, आदिम दैत्य के रूप में, और इन ओल्ड नॉर्थर्न पोइट्री इसका वर्णन किया गया है, जो उत्तरी प्रदेश के उत्तरी दिशा के जो दूसरे देश है वहां की वहां का जो काव्य है वहां पर एक आदिम दैत्य का वर्णन है, और उसको भी इस तरह से पूरी जो है सृष्टि से आइडेंटिफाई किया गया है। द हिल्स आर हिज बोन्स, जो पहाड़ियां हैं वो इसकी हड्डियां हैं। द वॉल्ट ऑफ द स्काई स्कल, जो आकाश है वो इसका मस्तिष्क है। द सी हिज ब्लड एंड द क्लाउड्स हिज ब्रेन। तो कहने का भाव है कि सृष्टि के सृष्टिकर्ता के रूप में सृष्टि को इस प्रकार से कल्पित करके इस प्रकार से एक तरह से प्रतीकात्मक रूप में उसकी व्याख्या की गई है। अब जहां तक इस मंत्र का प्रश्न है, यहाँ पर चारों को ग्रिफिथ जी इस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं, ब्राह्मणाज सिंबल ऑफ नॉलेज, ब्राह्मण ज्ञान के प्रतीक है, एज ए प्रीस्ट ऑफ एड्रेसिंग द गॉड्स इन प्रेयर, क्योंकि जो ब्राह्मण है वो देवताओं की स्तुतियां करते हैं और यज्ञ आदि भी कराते हैं, तो इसके लिए उन्होंने प्रीस्ट शब्द का प्रयोग किया। हम उसको और तरह से ले सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। फिर राजन्य क्षत्रिय, द रीगल एंड द मिलिट्री क्लास हु वील्ड्स द स्वॉर्ड एंड स्पीयर और आर्म्स आर द आर्म्स ऑफ पुरुषा, ये जो पुरुष है उसकी ये भुजाएं हैं। वैश्य हिज थाइस द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ हिज बॉडी, थाइस जो है हमारी जांघें सबसे मजबूत हिस्सा होती है, क्योंकि हमारा शरीर का भार पैरों पर तो होता ही है लेकिन पहले जांघों पर होता है। और जो इस प्रकार का काम करने वाले हैं वैश्य एग्रीकल्चरिस्ट कृषक हैं या व्यापारी हैं, और वो वास्तव में देखा जाए तो हमारी सोसाइटी हमारे समाज के का मुख्य आधार है, सबसे अधिक सपोर्ट करते हैं, भरण
पोषण करते हैं और हिज स्पीच। अब यहाँ पर देखिए कहीं घृणा या हीनता की भावना यहाँ पर नहीं आई है। हिज स्पीच एम्ब्लेम्स ऑफ विगर एंड एक्टिविटी बिकेम शूद्रा द लेबरिंग मैन इन ऑन हूज टॉयल एंड इंडस्ट्री ऑल अल्टीमेटली रेस्ट। अर्थात कितनी बड़ी बात शूद्र को का जो विवेचन करते हुए उसका ट्रांसलेशन करते हुए ने कहा कि हमारी पूरी सोसाइटी का जो भार है सोसाइटी को जो हमारे समाज को उसके श्रम के ऊपर वो आधारित है। तो ये तो हुई ग्रिफिट की बात। अब अगर हम पुरुष शब्द को लेकर क्योंकि तो पुरुष रूप में ये मंत्र आया है उसको भी एक बार देख लेते हैं। पूरी क्षेत्र जो शरीर नगरी में रहने वाला है और दूसरा उसका अर्थ है पूरे के अनिल जो सर्वत्र व्यापक है। तो पुरुष को शब्द को हम जो है स्त्री एक कर्ता के रूप में एक परमात्मा के रूप में भी ले सकते हैं और जीवात्मा के रूप में भी ले सकते हैं। लेकिन इस जहां तक इस सूत्र का प्रश्न है और जहां तक इस मंत्र का प्रश्न है इस मंत्र में और हमें यह भी ध्यान में रखना है कि जो इस सूक्त के ऋषि हैं वो है नारायण और नारायण के बहुत सारी व्याख्याएं नराणाम अयनम तस्य अपत्यम नारायण आप ओ नर जल में अयन करने वाला तो इस तरह की व्याख्याएं हैं। तो नारायण को अगर हम नराणाम अयनम करें तो संपूर्ण जो मानवता है या संपूर्ण जो मानव है उनकी सम टोटल को लेकर ये मंत्र में रचना की गई है उन सबको संबोधित किया गया है और उसमें चार तरह के ये उन्होंने विभाजन किए हैं। इसके साथ साथ सबसे मेरी प्रार्थना यही है कि ये याद रखिए कि वर्ण शब्द हो या जाति शब्द हो ये हमें कहीं भी वेदों में मिलते नहीं है। तो अगर इस सूत्र में जो है वर्ण और जाति तो कहीं है ही नहीं। हाँ वर्ण व्यवस्था बाद में हमने देखा कि मनु ने उसे मनुस्मृति में दिया या बाद के धर्म शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था या वर्ण आश्रम व्यवस्था आई हमें ये दोनों शब्द ही नहीं है। हाँ हम ये देखते हैं कि मानव जाति को किस प्रकार से उन्होंने किन जो है अंगों में उन्होंने विभक्त किया। तो समाज की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये चारों समाज के मुख्य भाग हैं। मुख ज्ञान बल का प्रतीक है। हमें चारों तरह की शक्ति चाहिए समाज के विकास के लिए समाज के उन्नति के लिए। तो मुख ज्ञान बल भुजाएं शूरता का बल जैसा सभी लोग क्षत्रियों को मानते हैं। गुरु जो है धन बल क्योंकि गुरु वैश्य है वो पूरा व्यापार और पशुपालन आदि कृषि आदि सब उनके ऊपर निर्भर करता है। और पद शारीरिक बल का प्रतीक है और मानव शरीर में भी ये चारों अवयव हैं। अब मैं इसके इतने जो है प्रसंग बताने के बाद में इसकी व्याख्याएं बताने के बाद में मैं बताना चाहूंगी आपको कि जो सत्यभूषण योगी हैं उन्होंने इस सूक्त की व्याख्या किस प्रकार से की है। और दूसरी बात ये वाला सूक्त मुझे एमए को मैंने बहुत साल पढ़ाया है और इसलिए मेरा चिंतन इसमें बहुत बहुत ही व्यापक रहा है और मैंने देखा है कि इसमें इतनी सारी जो है विशेषताएं हैं जिनको हम समझे तो हमारे मन में कभी भी इस प्रकार का विवाद की स्थिति हमारे मन में आएगी ही नहीं। तो अगर हम पुरुष सूक्त में जो सत्यभूषण योगी ने व्याख्या की है वहां उन्होंने भी यही माना है कि पुरुष शब्द जो है वेदों में कई स्थानों पर आया है और लेकिन जहां भी आया है वहां परमात्मा के नाम पर नहीं आकर बल्कि मनुष्य को का ही प्रतीक है। उनका कहने का भाव यह है कि ये पुरुष सूक्त और उन्होंने किया भी ऐसा है उन्होंने अपनी संस्कृत की व्याख्या में हर मंत्र की व्याख्या की है और उसको मानव जीवन पर घटित किया है। तो उनका मानना यही है कि मानव शरीर में ये चारों अवयव विद्यमान है अर्थात विचार शक्ति चार विद्या शम दम आदि गुण जो ब्राह्मण के माने जाते हैं बलम शतात दुखता नाम प्राणश्चा अत्यधिक शक्ति और भौतिक संपत्ति अर्जनम व्यवहार विद्या कुशलता और घोर परिश्रम ये सेवा भाव का प्रतीक है। और इसके अतिरिक्त हम और भी विद्वानों को देख सकते हैं। कायण जो है कायण कहते हैं अव्यक्त महताद आदि विलक्षण चेतनो या पुरुषा कि जो अव्यक्त महत है और उससे आदि जो है विलक्षण चेतन स्वरूप है वो पुरुष है और पुरुष के को परमात्मा का प्रतीक तो माना ही गया है बहुत स्थानों पर। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वेदों में
मनुष्य के निरूप में हम ले गए तो जो कि निघंटु है वहां मनुष्य के 25 नाम परिगणित है, पुरुष भले ही वहां नहीं है। तो कहने का भाव है कि मनुष्य को वेद सबसे अधिक महत्व देता है। जो कुछ भी वेद के मंत्र हैं मानव जाति के लिए है, मानवता गठन में हम बात कहते हैं, मधुर भाव वो कहते हैं, और जितने भी ये विशेषताएं बताई गई हैं ये मनुष्य में व्याप्त हैं, मनुष्य में प्रसुप्त अवस्था में रहती हैं। हर व्यक्ति चाहे तो इन सभी चारों प्रकार के बलों को अर्जित कर सकता है अपनी जो है प्रयत्न करके, अपने प्रयास से इन प्रसुप्त शक्तियों को जगा सकता है। जागरण की अपेक्षा केवल ये रखती है। वेदांत में जैसे कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, जैसे हमने बहुत सारे वो गौतम का एक सूक्त किया था और वाघामृणी का किया, तो वो सब जो है अपने आप को परम सत्ता से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सभी क्रिएट कर लेते हैं। तो उस तरह से पुरुष जिनमें जो प्रसुप्त शक्तियां हैं देखा जाए तो सब परमात्मा की शक्तियां हैं, और उन सब शक्तियों का विकास किया जा सकता है, हर कोई प्रयत्न पूर्वक करता है। ईशोपनिषद में तो स्पष्ट कहा गया यो असा बसो पुरुषा सो अहम अस्मि, जो कुछ वो पुरुष है वही मैं हूँ। जब हम अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं तो वो सब बातें वहीं पे आ जाती हैं कि ये जो है हमारी जो शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां हमारे भीतर विद्यमान है। और जहां तक इसका प्रश्न है, ग्रिस फोर्ड एक अंग्रेजी के जो है उन्होंने ऋग्वेद का जो है हिस्ट्री लिखा है, हिस्ट्री ऑफ ऋग्वेदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर, तो उसमें उन्होंने भी यही माना है कि ये जो सूत्र है ये वास्तव में मनुष्य की विशेषताओं को बताने के लिए ही है, और मनुष्य की जो विशेषताएं हैं उन सबको एक तरह से हर कोई व्यक्ति उनको डेवलप कर सकता है, विकास कर सकता है। लेकिन हाँ, एक अंग्रेजी के पाश्चात्य विद्वान है वॉलेस, उन्होंने यहाँ पर बताया है कि शायद यहाँ पर जिस पुरुष की बात कही गई है, और क्योंकि बाद में बाद के मंत्रों में ये भी है हविषा विधेय, हविषा जो है हवी दी गई उस पुरुष की, तो कुछ विद्वान पाश्चात्य विद्वान और कुछ भारतीय विद्वान भी ये कल्पना कर लेते हैं कि कोई आदिम दैत्य है एक विशाल आकार का, और उसका जो है विक्रम उसे बनाया जाता है, उसका जो है उसे यज्ञ में समर्पित किया जाता है, और वॉलिस मानते हैं कि पुरुष बलि के संकेत है। लेकिन ये सब मुझे लगता है कि गहनता से अध्ययन किए बिना या उन्होंने अपनी विचारधारा वहां पर आरोपित करने की कोशिश की है, लेकिन अन्य जो विद्वान है वो इस बात को नहीं मानते। तो यहाँ पर हम मैकडोनल्ड का भी मत देख सकते हैं। मैकडोनल्ड ने कहा द गॉड्स आर द एजेंट्स ऑफ क्रिएशन, व्हाइल द मैटर आउट ऑफ विच वर्ल्ड इज मेड इज द बॉडी ऑफ ए प्राइमेवल जेंट नेम्ड पुरुषा। तो यहाँ भी उन्होंने कहा तो ये कि एक बड़ा विशाल आकार का, जैसे हम यहाँ वर्णन है शुरू में सहस्र दिशा सहस्रपाद और सहस्राक्ष आदि, तो उसको एक तरह से कल्पना की कि शायद कोई एक आदिम ऐसा जो है रहा व्यक्ति, और उसको जो है विक्टिम बनाकर उसके जो अंग है उनको काटकर इस प्रकार से बनाया गया। लेकिन सबसे अधिक लॉजिकल और जो तार्किक हमें लगता है, क्योंकि वेद को हम लोग भारतीय परंपरा के लोग ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि ये केवल जो सहस्र की कल्पना है वहाँ अनंत की जो तक है, और इसीलिए विल्सन जो शायर को फॉलो करते हैं उन्होंने यही कहा कि जो परमात्मा विश्व को प्राण संपन्न करता है वही मनुष्य रूप में उपस्थित है। इसी तरह ग्रिस बोर्ड यहाँ पर एक देववाद के सिद्धांत का मूल पाते हैं, सर्वम खल्विदं ब्रह्म। तो सत्यभूषण योगी ने जैसा मैंने बताया कि उन्होंने इस सूक्त में जो पुरुष है और जो ये चारों वर्णों की बात है उसे पुरुष को भी यहाँ पर मनुष्य माना है और कोई अर्थ उन्होंने नहीं लिया, और वो यही बताना चाहते हैं कि हमारे शरीर के भीतर ये सारी प्रसुप्त शक्तियां हैं और हम इन सब शक्तियों को जो है विकसित कर सकते हैं और हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, ब्राह्मण के बारे में आप सब जानते हैं कि ब्राह्मण किसे कहते हैं, ब्रह्म, और ब्रह्म के जो बहुत सारे अर्थ हैं देव है मंत्र है आदि आदि, तो उन सब से वो ब्राह्मण ज्ञान और मुख दोनों का संबंध है। वाणी से हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, श्रुति परंपरा से हमारे पास वेद आए तो ब्राह्मण जो ब्रह्म की साधना करने वाले हैं वो ब्राह्मण, क्षत्रिय जो शब्द से या हमें जो है हानि से या किसी कष्ट से बचाते हैं तो वो क्षत्रिय है,
और वैश्य जो है, और सबसे बड़ी बात ये भी ध्यान में रखना है कि हमें वेदों में शूद्र केवल दो स्थानों पर मिलता है। आमतौर पर तीन वर्णों की बात आती है, ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया जाता है, राजन्य का है, क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय शब्द भी इस मंत्र में आया है और एक जगह और आया है। वैश्य के लिए विष शब्द आया है जो कि मनुष्य का ही नाम है, और शूद्र शब्द भी केवल दो तीन स्थानों में आया है, अन्यथा शूद्र नहीं आया। तो माना यह जाता है कि वहां पे केवल तीन वर्ण है। अब आप कहेंगे कि ये तीन वर्ण की बात क्या हुई, क्योंकि वेद में हम अगर देखें तो ये जो वर्ण व्यवस्था है वो कितना रिजिडली वर्ण, या हम कहें कि जो हमारा ये विभाजन था उस तरह से फॉलो नहीं होता था। बहुत रिजिडिटी है, किसी तरह की बहुत फ्लेक्सिबल है। जितने ऋषि हैं वो सभी हर प्रकार का काम करते हैं, वो बौद्धिक श्रम करते हैं, वो शारीरिक श्रम करते हैं, और इसीलिए। और सबसे बड़ी बात जो पीवी काणे ने धर्मशास्त्र के इतिहास में कहा कि वैदिक काल में केवल दो जातियां, कह लीजिए आप, या दो तरह के व्यक्ति थे, कौन कौन? आर्य और दस्यु या दास। अब आर्य या और अनार्य, तो आर्य और अनार्यों का हमेशा संघर्ष चलता रहता था। कहा जाता है कि आर्यों ने दस्युओं का नाश किया, या दस्युओं को जो है वो मारना चाहते थे, या दस्युओं को वो आर्यों में आर्य बनाना चाहते थे। कृणवंतो विश्वम आर्यम उनका एक ये नारा था, या एक उनकी ये विचारधारा थी। तो अगर वो दो थे तो केवल उन दोनों में हम किस प्रकार से, बहुत से लोगों ने इसको आर्य और अनार्य को लेकर रंग भेद की नीति का भी वहां पर आरोपण किया है। विदेशी विद्वान खास तौर पे कहते हैं कि आर्य जो है वो गौर वर्ण के थे और दस्यु कृष्ण वर्ण के थे। तो विदेशों में और पाश्चात्य परंपरा में, अभी हमने रिसेंट देखा कि अमेरिका में किस तरह से एक अश्वेत की हत्या हो गई और उसके बाद में कितना बवाल मचा, कितनी सारे जो है आरोप प्रत्यारोप और क्या क्या हुआ। तो जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि यहाँ पे नस्लवाद था, वास्तव में ये नस्लवाद केवल पाश्चात्य परंपरा की देन है। हमारे देश में कभी भी नस्लवाद नहीं था। आर्य और दस्युओं की अगर हम बात करें तो आर्य अगर गौर वर्ण के भी थे तो वो प्रकाश का प्रतीक है श्वेत रंग, और गौणों के रंग बारे में हम और भी आगे बात करेंगे। और जहां तक दस्यु हैं उनको कृष्ण कहने से या उनके कृष्ण भाव यही है कि वो उसके विपरीत हैं, वो अंधकार के या अज्ञान के प्रतीक हैं। तो ये तो हुई आर्य और दस्युओं की बात। और दूसरी बात हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमारी भारतीय परंपरा में या वैदिक परंपरा में कहीं भी दासों को ही भावना से या घृणा के भावना से नहीं देखा गया, और कहीं भी ऋग्वेदिक काल में शूद्र भी कहीं तिरस्कृत नहीं है। वेदकालीन जो राजा हैं सुदास, वो शूद्र थे, विश्वामित्र के संरक्षक थे। वशिष्ठ ने सुदास का अभिषेक किया। भारद्वाज और कात्यायन और सूत्रों में भी हमें संकेत मिलता है कि कई धर्मशास्त्र यज्ञ का अधिकार भी उनको देते थे। अश्विनी कुमार भी के विषय में भी कहा जाता है कि वो सोम का अधिकारी उनको पहले नहीं माना जाता था, लेकिन बाद में ऋषि ने उन्हें इंद्र की जो है इच्छा के विपरीत उनको सोम अर्पित किया। तो कहने का भाव यही है कि वेद में वर्ण व्यवस्था या जातिगत व्यवस्था के बारे में हमें इस तरह के संकेत नहीं मिलते, ना ही वो इतनी स्ट्रिक्टली या इतनी जो है कट्टरता से उसका पालन नहीं हुआ करता था। तो अब हम जब हम इस मंत्र की जब बात करते हैं तो हमें वर्ण शब्द को भी देखना है, और वर्ण के साथ साथ हम जाति को भी देखेंगे, और उसके बाद में हम देखेंगे कि विदेशों में जो नस्लवाद है और वो आज तक कैसे पनप रहा है। तो जैसे हमने देखा कि सहस्राक्ष और सहस्र शीर्ष पुरुष की बात वेद में है, वो अनंत का द्योतक है, और इसी तरह का एक जो रेफरेंस है सब लोग जानते हैं गीता में, जो विश्व रूप ने कहा, और उन्होंने कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया अर्जुन को। 11वें अध्याय का एक ही श्लोक हम देख लेते हैं। अनेक बाहुधर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम, न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्व रूपा। तो ये विश्व रूप है, जैसे मैंने कहा कि ये जो मंत्र आज हम कर रहे हैं ये इसमें भी समष्टि का रूप विद्यमान है, संपूर्ण मानवता का रूप विद्यमान है। तो जहां तक इस सूक्त में
ये जो इस मंत्र में जो चार वर्णों की बात है, इन चार वर्णों के लिए मूल रूप से हमने देख लिया कि वेद में केवल तीन वर्णों की बात बार बार आती है, और वे आर्य और दस्यु की बात करें तो दस्यु और आर्य, और जहां तक अगर शूद्र जहां दो या तीन जगह आया है शब्द, वहां कहीं भी घृणा का वाचक नहीं है या हीनता का वाचक तो बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे धर्मशास्त्र की बात है, वेद के खुद एक मंत्र में, यजुर्वेद का एक मंत्र है कि ये वेदवाणी जो है उन चारों वर्णों के लिए है। यथेमाम वाचम कल्याणीम आददानी दिनेभ्य ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय च आर्याय च स्वाय चारणाय च, अर्थात ये कल्याणी जो वाणी है सभी प्रकार के लोगों के लिए है, या स्पेशली शूद्र शब्द का भी मेंशन कर दिया उन्होंने। और शूद्र को हमने देखा कि हम उसे शारीरिक श्रम से जोड़ते हैं, और वेदों में भृगु हैं जो शिल्प कला के प्रतीक देवता हैं, तो वो जब देवता की कोटि में आ सकते हैं तो हम कैसे शूद्रों को नीचा मान सकते हैं, या कैसे शूद्रों को जो है ये मान सकते हैं कि वो समाज पर निम्नतम जो है स्तर पर रहने वाले थे। और वेदों में तो कहीं भी दास या शूद्र शारीरिक श्रम करते हुए नहीं दिखाई दिए देते हैं, क्योंकि वैदिक ऋषि दे बिलीव इन द डिग्निटी ऑफ लेबर, वो खुद बौद्धिक श्रम करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं। बहुत सारे ऋषियों के उदाहरण मैं अक्सर देती रहती हूँ, जैसे गृहस्थ है जो लोहे का काम भी करते हैं, वो कपड़ा बुनते हैं, बुनते हैं, ताना बाना उनके सूत्रों में बहुत बार आता है। अगस्त हैं जिन्होंने कुदाली से धरती को खोदा, तो इस प्रकार से और भी ऋषि हैं जो अग्नि प्रज्वलित करते हैं, अंगिरस हैं, वो मतलब वहां पर कहीं भी बौद्धिक श्रम में और शारीरिक श्रम में भेद नहीं है, और इसी कारण से वहाँ जो शूद्र लोग हैं उनको कहीं भी व्यक्त श्रम करते हुए या बेगार करते हुए या उनको हीन भावना से जो है युक्त माना ही नहीं गया, कहीं दिखाया भी नहीं गया। अब हम अगर बात करें कि त्रिय वर्ण व्यवस्था जो इसको मनुस्मृति में एक तरह से विशेष रूप से एक आधार रूप दिया गया, जहाँ ब्राह्मण के क्षत्रिय के वैश्य के और शूद्रों के पूरे जो उनके जो कार्य हैं कर्तव्य हैं उनको डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया वर्ण व्यवस्था। और ये हम ये नहीं कहते कि ये कोई मनु ने स्वयं किया, क्योंकि मनु जो भी अपनी स्मृति का प्रणयन कर रहे थे वो वैदिक परंपरा में ही धर्म सूत्रों को मान सबको आधार बनाकर, और वैदिक वेदो अखिलो धर्म मूलम तो कहते ही हैं, तो वेद को आधार बनाकर उन्होंने किया, और इस तरह से उन्होंने सभी वर्णों के जो कर्म थे उनको निर्धारण किया, निश्चित किया। लेकिन हम उनके काल में देखते हैं, और ये जो खुद है मनु वो इस बात को मानते हैं कि वो गुण और कर्म से ही होती थी, यदि भी गुण और कर्म की बात बाद में गीता में जाकर हमें स्पष्ट रूप से मिलती है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। और हम अभी उस मनुस्मृति में जो कुछ मनु ने कहा वर्ण व्यवस्था के बारे में और जो हमें गीता में मिलता है हम उसको भी देखेंगे, लेकिन हम पहले वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करने से पहले हम वर्ण शब्द को समझ लेते हैं। तो वर्ण क्या है? वर्ण ब्रीय वर्णे से बना है, और वर्ण का एक रंग भी होता है, रंगना रोगना अर्थ वाले धातुओं से भी। भारत की वर्ण व्यवस्था में हम अगर देखें, जैसा मैंने अभी कहा, वर्ण भेद या रंग भेद की नीति नहीं है। हाँ, रंगों का अपना मनोविज्ञान होता है, प्रतीकार में रंग विशेष उस मनुष्य विशेष के गुणों को दर्शाता है। जैसा हमने अभी देखा कि आर्यों को हम कह देते हैं कि वो श्वेत वर्ण की या गौर वर्ण के थे, अथवा या वो दस्यु जो है उनको कृष्ण के वर्ण से जोड़ लेते हैं, तो वहां भी वो ये दोनों रंग मनोविज्ञान वहां पे काम करता है। इसके अतिरिक्त महा भागवत में भी और अन्यत्र भी इन चारों रंगों की, चारों के लिए अलग अलग रंगों की बात कही गई है, तो वहां भी उसका भाव केवल यही है कि रंग जो है वो प्रतीकात्मक है, उनका अपना मनोविज्ञान है। जैसे हम कहते हैं सत्व रज है, लाल रंग का प्रतीक है, रजस जो है वो हरियाली या हरा रंग जो है उसका प्रतीक है, सत्व श्वेत रंग का प्रतीक है,
रजस लाल का और जो तम है वो कृष्ण वर्ण का प्रतीक है। तो ये रंग भी जो है उस गुणों की उन गुणों की विशेषताएं बताते हैं। तो वन का जब हम कहते हैं कि वन का जो एक रंगना था वो हमारे यहाँ स्वीकृत नहीं है, कम से कम वन व्यवस्था में। और जब हम रंग भेद की बात करते हैं तो ये रंग भेद पाश्चात्य परंपरा में हम देखें तो बहुत अधिक नस्लीय, जिसे हम कहते हैं नस्ल भेद, और उन्होंने ये कोशिश भी की है कि ये आधे और दसियों को लेकर शायद भारत में भी ऐसा ही था, लेकिन हमारे यहाँ वो नस्ल भेद वाली बात नहीं थी। लेकिन पाश्चात्य परंपरा में हम देखते हैं कि आज तक यही हो रहा है कि वहां पर नस्ल पर आधारित विवाद और झगड़े होते ही रहते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो वर्ण भेद की जो ये प्रक्रिया थी वहां पर, उसके लिए नेल्सन मंडेला को कितने साल जो है एक तरह से संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि वहां पर अश्वेत होना एक तरह से अपराध माना जाता था। और मैंने अभी पढ़ा कि 17वीं शताब्दी तक ये माना जाता था कि जो लोग श्वेत नहीं है, जो अश्वेत हैं, वो उनकी IQ में भी अंतर होता है, उनकी जो बुद्धि का जो लेवल है, स्तर है, वो भी कम होता है। और इसके अतिरिक्त ये भी माना जाता है कि वो मतलब बहुत सारे सामाजिक जो है कार्य नहीं कर सकते और वो श्रेष्ठ नहीं है उनको ही। तो ये एक बहुत अजीब सी बात थी, और 17वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक क्या और आज तक भी चल रही है ये बात कि वहां पर अश्वेत को, हालांकि बहुत से परिवर्तन आए हैं, अश्वेत लोग जैसे हम देखते हैं कि बराक ओबामा राष्ट्रपति बने, वो ब्लैक थे, तो लेकिन वहां रंग भेद की नीति जो इतनी ज्यादा, एक नस्ल भेद उन्होंने माना उसको। और नस्ल भेद से मतलब क्या है, मुझे एक फिल्म भी था उसमें था कि रंग नस्ल और मजहब ये सब आदमी की आदमी से कमतर है। अब रंग वर्ण या किसी का नस्ल जो हम कहते हैं वंशाणु या जेनेटिक कोड हम जिसे कहते हैं, और धर्म धर्म से मतलब यहाँ संप्रदाय आए, ये सब बहुत बाद की बातें हैं। मनुष्य जो है मानवता या मानवीयता वो सबसे ऊपर होना चाहिए। तो हम किसी रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर हम ये निश्चय नहीं कर सकते कि कौन श्रेष्ठ है और कौन चीन है। लेकिन पाश्चात्य देशों में ये परंपरा 17वीं शताब्दी से लेकर आज तक चलती रही है। लेकिन एक दुखद संकेत है, अभी मैंने एक रिसेंट सर्वे के बारे में पढ़ा, 1990 में जो शुरू हुआ था और 2003 में खत्म हुआ, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये बात बिल्कुल गलत है, रंग या नस्ल के आधार पर हम कहें कि कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है या कोई व्यक्ति हीन है, क्योंकि हर व्यक्ति को अगर उचित पालन पोषण मिले, उचित अवसर मिले, तो हर व्यक्ति जो है अपना जीवन जो प्राप्त करना चाहता है वो प्राप्त कर सकता है। तो फिर वर्ण व्यवस्था में हमें वर्ण वर्ण शब्द को किस प्रकार से लेना है, तो अब हम आते हैं। जो वर्ण व्यवस्था में हमें स्वीकार करना होता है और करना ही चाहिए, और इसके संकेत हमें मनु भी देते हैं और हमें अन्य शास्त्रों में भी मिलते हैं, अर्थात चुनने का अधिकार। व्याकरण में हम कहते हैं ना स्वतंत्र कर्ता, काम करने का अधिकार, कर्ता वो है जिसे अपने काम करने का अधिकार है, काम करने में जो स्वतंत्र है। तो यहाँ भी व्रीय वर्णे चुनने का अधिकार, अर्थात वह श्रम, वह कार्य जो व्यक्ति अपने लिए चुनता है अपने आजीविका के साधन के लिए, तो उस वो जो है वर्ण कहलाएगा। और जो उस कार्य के आधार पर उस व्यक्ति या उस व्यक्ति के को के समूह को ये एक समूहगत नाम दे दिया जाता है कि ये ब्राह्मण हैं, वो सब ये काम कर रहे हैं, टीचिंग का काम कर रहे हैं, अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, इज्जा यज्ञ आदि कर रहे हैं, यज्ञ यजन आदि कर रहे हैं। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि वर्ण में चुनने का जो अधिकार है ये भी एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में है, क्योंकि हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है। तो इसलिए और आजीविका का साधन हम मनु का, मुझे एक और जो बात याद आ रही है वो ये है कि मनु ने सब तीन वर्णों को द्विज कहा और शूद्र को कहा एकज, क्योंकि उसका उपनयन नहीं होता, वो द्विजन्मा नहीं होता। और ये भी माना जाता है कि जब तक व्यक्ति माता पिता के घर में रहा तो उसका अभी कोई वर्ण नहीं है। गुरु के पास गया, गुरु ने कौन सा अध्ययन उसे करवाया, कहाँ उसकी रुचि हुई,
उसने कौन सा वर्ण स्वीकार किया, क्योंकि हम देखेंगे वेदों में भी और महाभारत काल में भी और अन्यत्र भी वर्ण परिवर्तन के भी हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। जैसे द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने क्षत्रिय धर्म अपनाया, धनुर्वेद सिखाया और क्षत्रियों के आश्रय में ही रहे। तो उसी तरह से मैं अभी पिछले दिनों अमीश त्रिपाठी की पुस्तक पढ़ रही थी सीता। उन्होंने रामायण को बहुत अलग तरह से नए तरीके से इंटरप्रेट किया है। तो उन्होंने वहां बताया कि विश्वामित्र जो है वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए लेकिन वो क्षत्रिय बने और क्षत्रिय बन वो विश्वामित्र क्षत्रिय थे लेकिन वो बनना चाहते थे महर्षि, तो इसलिए वशिष्ठ के साथ में उनका जो है हमेशा विवाद होता रहता था। उसी तरह रावण ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ लेकिन उसमें क्षत्रियत्व के गुण थे। तो बाकी हम उसके चरित्र के बारे में और विवाद में नहीं पड़ेंगे। तो कहने का भाव यह है कि कोई भी व्यक्ति जब अपने कर्म को चुन लेता है, अपनी आजीविका के साधन को या अपने मनपसंद आजीविका को या अपने मनपसंद कार्य को, तो वो उस तरह से वर्ण शब्द माना जाता है कि अपनी इच्छा योग्यता और दक्षता के अनुसार आर्थिक सामाजिक और आत्मिक विकास करने में हर व्यक्ति स्वतंत्र है। तो जहां तक जाति का प्रश्न है, अब जाति हम वर्ण के साथ में हमें जाति भी लेना ही होगा, और वर्ण और जाति के लिए हम अंग्रेजी में अगर देखें तो केवल एक शब्द है, वो है कास्ट, CASTE। और ये जाति के लिए भी वहां वही शब्द है और वर्ण के लिए भी। और कास्ट जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है, कास्टा से बना है, जिसका अर्थ होता है वंशगत विशुद्धि, प्योरिटी ऑफ डिसेंट। तो मतलब वहां पर तो वर्ण वाली बात ही नहीं है, जो वर्ण हम चुनने के अर्थ में लेते हैं। तो हमें वर्ण व्यवस्था में जो ये बात मानी गई कि वर्ण जो है हमेशा चुनने के अर्थ में आता है और वर्ण हम गुण और कर्म के जो है संदर्भ में ले सकते हैं। तो इस दृष्टि से हमें गीता को देखना होगा, जहां पर स्पष्ट रूप से कृष्ण ने कहा कि ये जो मैंने चातुर्वर्ण बनाया वो गुण कर्म विभाग शब्द। अब गुण कर्म जो है, गुण को हम स्वभाव भी ले सकते हैं, नेचर ले सकते हैं, और गीता में क्योंकि बार बार प्रकृति के तीन गुणों की बात है, सत्व रजस और तमस, जिसे मैंने कहा श्वेत लोहित या लाल और तमस श्याम या कृष्णवर्ण। तो ये जो चातुर्वर्ण है ये गुण और कर्म के विभाग से ही हमें स्वीकार करना चाहिए, जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी और प्रारंभिक युग में इसी प्रकार से ये वर्ण व्यवस्था थी। भागवत पुराण में भी एक श्लोक में आता है, तो वहां पर क्या कहा गया उन्होंने, ब्राह्मण कौन है, ऋतव्रत, जो ऋत का पालन करते हैं, क्षत्रिय है सत्यव्रत, और जो वैश्य हैं वो दान व्रत हैं क्योंकि उनके पास धन संपत्ति होती है, वो दान भी दे सकते हैं, और शूद्र के लिए वहां कहा गया अनुव्रत। लेकिन जो मनु हैं हमारे, मनु ने जो ये वर्ण व्यवस्था का जहां भी उल्लेख किया और जहां सबके कर्मों को डिफाइन किया, तो पर वहां पर भी वो भी एक कॉमन चीज रखते हैं। वो कहते हैं कि जो 10 लक्षण है धर्म के, वो तो चारित्रिक गुण है, वो तो हर एक व्यक्ति में होने ही चाहिए। तो धृति क्षमा दमस्तेम शौच इंद्रिय निग्रह, क्योंकि अगर एक ब्राह्मण है उसको भी इन सारे गुणों की आवश्यकता है, एक वैश्य है तो उसको भी ये आवश्यकता है। तो मतलब उस तरह से देखा जाए तो ये जो चारों गुण हैं, जब हम कहते हैं कि ये मानव जीवन पर जो है घटित हो सकते हैं, तो जैसा मैंने पिछली बार की चर्चा में भी कहा था कि हम सब ये चारों गुण हम सब के भीतर विद्यमान है, और हम ये चारों वर्णों के कार्य चुने या न चुने हमें करने ही होते हैं, हम करते ही हैं। सुबह उठते ही हम जब वॉशरूम जाते हैं, या माँ बच्चे को जो है पॉटी करके वो साफ करती है, तो ये या घर की सफाई करती है, तो सारा वो सेवक का काम है, शूद्र का काम है। वो भले ही हम दूसरों से सहायता लेते हैं वो एक अलग बात है, मतलब हमको ये सब करना ही होता है अपने शरीर की शुद्धि के लिए, अपने शरीर की के शौच के लिए भी हम ये सब काम करते हैं। फिर जब हम अपने परिवार की रक्षा या जो है के लिए पुरुष काम करे या स्त्री काम करे, तो परिवार की रक्षा का, और आज कोरोना के युग में हम बड़े सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं कि हमें अपने आप को बचाना है। मेरे जैसे 75 और 80 साल के युवा लोग सोचते हैं कि भाई हम कोरोना में अपने आप को बचाएं। हाँ युवा, क्योंकि हम अभी निरंतर कर्मशील हैं, तो इसलिए मैं अपने आप को युवा कहूंगी। तो हम अपने आप को जो ये सेल्फ डिफेंस करते हैं, ये क्षत्रिय का काम है।
और फिर जब हम पुरुष हो या स्त्री हो अर्जन करते हैं अपने घर परिवार को चलाने के लिए, आर्थिक सहयोग करते हैं या आर्थिक कोई आजीविका का साधन चुनते हैं, तो हम वैश्य का कार्य करते हैं और ब्राह्मण, ये सारे कार्य आप सोचिए बिना ज्ञान के हो सकते हैं क्या? व्यापार के लिए भी आपको ज्ञान, ज्ञानी होना चाहिए। आप कितनी डिग्रियां प्राप्त करते हैं, MBA करते हैं तब आप जाकर व्यापार करते हैं। आजकल व्यापार के लिए भी जो है बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेशन हैं उनमें भी ये आवश्यक है कि आपको MBA की डिग्री हो और आपने कोई विशेष योग्यता प्राप्त की हुई हो, स्पेशलिटी का जमाना है। तो ये सब जो है चलता रहता है। तो कहने का भाव ये है कि हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हम व्यक्तिगत जीवन में रोज होते हैं और रोज मतलब बनते हैं। तो हमें किसी से भी किसी को हीन या श्रेष्ठ कहने का कोई अधिकार नहीं है और ऐसा वेद में तो कभी भी नहीं था। और वेद में एक एक स्थान पे तो आपको हैरानी होगी कि ब्राह्मण बहुत बार वेदों में पंचजना शब्द का प्रयोग होता है। पंचजना ग्रुप ऑफ फाइव टाइप ऑफ पीपल। और पंचजन में जो है लोगों के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और चार वर्ण और निषाद को हम इंक्लूड करते हैं। लेकिन आप सोचिए ऋग्वेद का ही एक मंत्र है 10, 53 और 4 का, ऊर्जादा उत यज्ञासा पंचजना मम होत्रम जुषध्वम। तो होत्र का सेवन सब कर रहे हैं, तो वहां पर कहीं भी, इसलिए मैं आप सबसे जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं सबसे यही निवेदन करना चाहूंगी कि अगर कभी भी कोई ये आरोप करता है, लगाता है कि वेद में शत्रु जो है शूद्रों को चरणों से पैरों से पैदा होने के लिए कहा गया, तो उनका अपमान है। वो कभी भी नहीं है। हमारे पैर हमारे पूरे शरीर का भार उठाते हैं, हमारे और हम व्यक्तिगत रूप में भी संपूर्ण चारों वर्णों के कार्य हर रोज करते हैं, हमेशा करते हैं, कभी कम और कभी ज्यादा। समष्टि रूप में भी ये चारों प्रकार के व्यक्ति हमारे समाज में और पूरे विश्व में भी पाए ही जाते हैं। अगर हम गीता की बात ले लें तो वहां पर उसने उन्हें चार वर्णों के अलावा उन्होंने तीन गुण जो बता दिए, सात्विक राजसी और तामसी। तो अर्थात तीन तरह की प्रवृत्तियां या तीन तरह के व्यक्तित्व वाले पुरुष हमेशा रहेंगे समाज में। और समाज को अपने पूर्ण विकास के लिए, पूर्ण उन्नति के लिए हर प्रकार के श्रम की और हर प्रकार के बल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कहीं भी कोई किसी से हीन या श्रेष्ठ का भाव न है न होना चाहिए। अब हम आते हैं थोड़ा सा जाति के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि जाति फिर ये कब ऐसा हुआ हमारे समाज में कि हमारा परिवेश जो है वो बिगड़ता गया और हम जो है हमारी जाति प्रथा कुछ ऐसी हो गई कि जिसके कारण से हमारे समाज की जो व्यवस्था है वो बिगड़ती गई, विखंडित होती गई। इतना ऐतिहासिक रूप से ये कहना बहुत कठिन है। और जैसा मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि वेद में जाति शब्द है ना वर्ण शब्द है। लेकिन आजकल जैसे हम कहते हैं, और मुझे सभी को याद होगा कि संस्कृत जब हम पढ़ते थे ना तो व्याकरण के जो नियम वो उसके बताते हैं क्या कहते हैं विभक्ति के, तो जाति के युग में अहम जात्या ब्राह्मणो अस्मि। तो ये जाति का प्रयोग कब से होने लगा, वर्ण और चुनने की जो स्थिति है कब से हो गई, ऐतिहासिक रूप से हम निश्चित रूप से नहीं बता सकते। लेकिन लगता यही है कि वैदिक काल में जीवन में जटिलताएं कम थी, श्रम की महत्ता थी, कोई भी श्रम को हाथों से करने वाले काम को जो है निकृष्ट नहीं माना जाता था, नीचा नहीं माना जाता था। इसलिए कहीं भी कोई विरोध या जो है एक तरह से विवाद की स्थिति वहां नहीं आती थी। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती हैं, समाज में परिवर्तन होता है, दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ती गई, औद्योगिक विकास होता गया, आजीविका के नए नए साधन विकसित होते गए। तो उन सब साधनों के कारण व्यक्तिगत संपत्ति का उदय हुआ। सभ्यता और संस्कृति के विकास में जब व्यवसाय के नए नए जो है आयाम खुल गए, और अगर हम अभी पिछले 50 वर्षों को देखें, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो क्या था, अधिकतर स्त्रियां तो महिलाएं तो खास तौर पे केवल टीचिंग में जाती थी। आज भी हमारे देश में बहुत सारे जो मिडिल क्लास लोग हैं, मध्यम उसके लोग हैं, वर्ग के लोग, उनके मन में अभी भी सबसे अच्छा कैरियर माना जाता है कि डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए या ज्यादा ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में चला जाए, IAS IPS बन जाए। तो लेकिन आज कितने सारे हमारे सामने व्यवसाय के आयाम है। जो हमारा ये कंप्यूटर और ये जो साइबर जो हमारा विकास हो रहा है साइबर टेक्नोलॉजी का, और इसने हमें कितने सारे अनंत अनंत वो दिए हैं। और आज हम कोरोना में देखें तो
सारी हमारी आर्थिक व्यवस्था बड़ी झुलमुल हो रही है, बहुत सारी समस्याएं हैं, वो एक अलग बात है। तो लेकिन ये सब जब लगातार ऐसा होता गया कि समाज में परिवर्तन हुआ, तो ये शायद जो ब्राह्मण लोग हैं उनको अपना एक तरह से जो कार्य वो कर रहे थे वो शायद करना उनके लिए संभव नहीं रहा। और इसके लिए पीवी काणे के धर्मशास्त्र की ओर मैं आपको ले चलती हूँ। वहां पे उन्होंने एक खंड में कहा है, ब्राह्मण और भिक्षा करके एक पूरा पृष्ठ लिखा है उन्होंने, और उसमें वो कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार परंपरा से भी भीख मांगने का जितना संबंध ब्राह्मणों का है उतना किसी अन्य वर्ण या जाति का नहीं है। क्योंकि बाद में जाकर तो ब्राह्मण वर्ण और जाति हम दोनों शब्दों का प्रयोग करने लगे, और आज की परिस्थिति में तो हम कभी कहते ही नहीं कि ब्राह्मण वर्ण वाला, ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, और आज तो चार जातियां क्या, 400 क्या, हजारों जातियां, एक तरह तरह के ग्रुप्स बन गए हैं, बहुत सारी जातियां जिसने हमारे समाज को विखंडित किया है। उस जाति व्यवस्था का इतना अधिक बढ़ने के या उसमें ये सारे विकार आने के क्या क्या कारण हुए, बहुत सारे कारण हैं, कुछ कारण हम अभी देखेंगे, लेकिन अभी हम जो है पीवी काणे का जो है ये विचार देखते हैं कि परंपरा से उनका भीख मांगने से जो ब्राह्मणों का ही संबंध है उतना किसी अन्य वर्ण का नहीं रहा। डॉक्टर राम विलास शर्मा ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि समाज का आर्थिक विकास जैसे जैसे हुआ तो ब्राह्मण वर्ण जो है वो परजीवी होता गया, अब उसे दक्षिणा मिलना कम हो गया, दूसरे वर्ण जो है उन्होंने पैसा ज्यादा कमा लिया, वो अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। तो अब केवल उनके सामने एक ऑल्टरनेटिव था, यही चारा था कि वो भीख मांगे या अन्य वर्णों से काम करें। तो आपको आश्चर्य होगा मैडम जी, आपके पास 5 मिनट शेष बच गए हैं। हाँ, मैं अभी समाप्त करती हूँ ये अंतिम बात कहकर, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो क्या है कि जो ब्राह्मण, अभी तक हम यही मानते हैं कि ब्राह्मणों का काम था कि वो पढ़ना लिखना, ज्ञान बांटना या वेद अध्ययन आदि करना, तो समय के साथ तो वो बहुत बदला है। और मैं आप सबको वो याद दिलाना चाहती हूँ कि जब एक जो एक ये जो हमारे वो होते हैं नाले आदि खोदने के लिए, और एक व्यक्ति जब उसमें जाकर मर गया था, उसका नाम था तिवारी था वो कोई, तो मैंने उस वक्त एक कविता भी लिखी थी कि वो एक ब्राह्मण है और उसको ब्राह्मण को ना तो कभी पढ़ा, तभी शायद उसको ये काम करना पड़ा होगा, और वो नीचे उतरा और वो उसने अपने प्राण गंवा दिए, युवा जो है व्यक्ति था वो। तो आज तो ब्राह्मण जाति में आप पैदा हो गए, लेकिन आप कुछ भी काम कर सकते हो, शर्मा शूज आपको दिख जाएगा या तरह तरह के अलग अलग काम। तो आज हम वर्ण को या जाति को उस तरह से उस रूप में समझते ही नहीं है। लेकिन जो पीवी काणे ने जो मतलब बताया कि ब्राह्मणों की इतनी सारी श्रेणियां विकसित हो गई थी, क्या क्या था वो, देव ब्राह्मण जो संध्या वंदन करते थे, मुनि ब्राह्मण कंदमूल फल खाते थे, द्विज ब्राह्मण, क्षत्र ब्राह्मण, वैश्य ब्राह्मण, यहाँ तक कि पशु ब्राह्मण और मिलेच्छ ब्राह्मण। तो मतलब इतना अधिक जो है एक हमें कहना चाहिए इतना निम्नता हमारे उसमें जाति प्रथा के कारण या समाज में परिवर्तन के कारण आ गई थी। तो धीरे धीरे ये जो ह्रास हुआ इसके कारण से, और इसके कारण मैं केवल दो ही गिनाऊंगी, वर्ण संकरता, और जब हमने एक सामूहिक जो है अंतर जातीय विवाह करना बंद कर दिया, और सहभोज की परंपरा जब बंद हो गई, तो इस प्रकार से ये जाति व्यवस्था में छुआछात की बातें आने लगी। और बहुत स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ये बहुत सारी जातियों में हमारा देश विभक्त था, जिसके लिए बहुत सा काम गांधी जी ने भी किया, और उन्होंने शूद्रों के प्रति जो निरादर अपमान की भावना थी, छुआछात की बहुत अधिक जो बातें कही जाती थी उसका उन्होंने निराकरण करते हुए उन्हें हरिजन से संबोधित किया आदि आदि। तो ये जाति के विषय में हमने बात की। अब मैं सम टोटल करते हुए केवल आपको एक और जो बात बताने वाली हूँ वो वर्ण को लेकर है। सोम सूक्त में एक स्थान पर आता है कृष्ण सिकनी, जहां पर उस मंत्र में कहा गया कि एक इंद्र जो है वो कृष्ण वर्ण के से द्वेष करते हैं, और इसको आधार बनाकर भी पाश्चात्य विद्वानों ने कहा कि भारतीय परंपरा में भी कहीं ना कहीं वर्ण को लेकर या नस्ल को लेकर इस प्रकार का भेद है। और हम अपने सामान्य रूप से भी अपने समाज में देखें तो शायद अंग्रेजों के आने के बाद में ये ज्यादा हुआ होगा, क्योंकि अगर पहले होता तो हमारे जो जितने भी नायक हैं, राम है, कृष्ण है, वो सांवरे थे, कृष्ण वर्ण के थे, हम उन्हें भगवान मानते थे, अवतार मानते थे। या कालिदास को देखें तो श्याम रंग को कहीं भी जो है गलत नहीं माना गया, घृणा सूचक नहीं माना गया। तो हम इस बात को तो मानेंगे,
लेकिन शायद अंग्रेजों का शासन हुआ तो हमारे मन में गोरे रंग के प्रति इतना अधिक आकर्षण हो गया, तो हम जो है वो कहना चाहिए फेयर एंड लवली का प्रयोग करने लगे, और दुल्हन ही नहीं दूल्हे के लिए भी फेयर एंड लवली बनी। अभी जो लेटेस्ट खबर है मेरे पास वो है कि किसी महिला ने ये आपत्ति उठाई फेयर शब्द वहां पर नहीं आना चाहिए क्योंकि वो महिलाओं को डेजिग्नेट करता है, और आजकल की महिलाएं इस प्रकार में विश्वास करती रंग भेद में या गोरे रंग की विशेषता होती है, तो उन्होंने उसको चेंज एक ग्लो एंड लवली कर। तो अंत में मैं इस मंत्र के माध्यम से आपसे केवल यही कहना चाहती हूँ, थोड़ा लंबा हो गया, 4 मिनट बचे हैं डिस्कस करने का, टाइम कम मिलेगा क्योंकि मेरे पास सारा बातें थी कहने के लिए कि इस मंत्र में जो हम कहा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इसको हमें अगर हमसे कोई भी बात करता है तो हमें बताना चाहिए कि पहली बात तो चरण पैर, और हम चरण स्पर्श करते हैं तो पैर हमारे कैसे, हम कोई भी व्यक्ति अपने पैर कटवाना चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। तो पैर भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, कहीं भी हीन भावना वेदों में शूद्रों को लेकर दासों को लेकर नहीं है। दास वहां पर है जरूर सहायता करने के लिए, उसको घर में ऐसा नहीं कि उनको घर के पुरुष जो है खाना उनके साथ नहीं खाएंगे या उनको खाना नहीं देंगे। उनका धर्म है कि जो नौकर है जो दास है उनको पहले भोजन दिया जाए, गर्भवती स्त्री को पहले दिया जाए। केवल इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त हूँ। धन्यवाद धैर्य पूर्वक सुनने के लिए, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद मैडम जी। वेद बहुत संस्था आभार व्यक्त करता है, और आपने प्रासंगिक विषय लिया और स्पष्ट भी कर दिया कि वेदों में वर्णित जो ब्राह्मणस्य मुखमासीत आदि मंत्र हैं वे वर्ण व्यवस्था को जन्म देने के कारण नहीं है, और आपने स्पष्ट उल्लेख किया प्रमाणों के साथ कि वेदों में उस इस तरह वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा का कोई संबंध नहीं था। लेकिन हम ये नहीं मानते कि जाति प्रथा की कट्टरता नहीं थी, लेकिन वेदों के उत्तरवर्ती साहित्य में हमें उल्लेख मिल जाते हैं, और जो लोग बड़े बड़े पद के अधिकारी थे, ब्राह्मण और क्षत्रियत्व आदि पद पे प्रतिष्ठित थे, इन लोगों ने जब अंतरजातिक विवाह करना बंद कर दिया, इन लोगों ने जब शिक्षा को सार्वजनिक करने में हिचकिचाने लगे, तो इसके कारण छुआछूत की वृद्धि हुई और जाति प्रथा वहीं से पनपनी शुरू हुई। ये आपके व्याख्यान के सारांश रहे, और मनुस्मृति आदि में कहीं कहीं संकेत मिलते हैं, लेकिन हम नहीं मानते कि मनुस्मृति में जो भी प्रथाएं मिलती है वो बिल्कुल सही है, प्रक्षिप्त तो हो सकते हैं। मनु को हम वैवस्वत मनु मानते हैं, तो मनु के सारे आशय वेद के अनुरूप होना चाहिए, प्रक्षिप्त के श्रेणी में रखते हैं, और स्मृतियों में इसकी चर्चा है, तो उसका बड़ा सा प्रमाण आपने गीता आदि शास्त्रों में भी दिए कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। व्यास का ये कथन है आज से 4200 साल पहले, कि व्यास ही स्वयं कह रहे हैं कि चार वर्ण का जो निर्माण हुआ है गुण और कर्म के आधार पे, व्यक्ति आजीविका के लिए जिस तरह कर्म को चुनता है और व्यक्ति जिस गुण से युक्त होता है वही उसके वर्ण व्यवस्था के निर्माण के पीछे कारण ही है। तो इस तरह बढ़िया रोचक विषय रहा, और 5 मिनट अतिरिक्त हम लेंगे विषय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए। कुछ हमारे हितैषी हैं और बड़े इस विद्या के अधिकारी अधिकारिणी विद्वान विद्वान विदुषियां हैं, उन सबसे निवेदन है आप कुछ विचार